नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक टीचर के अंदर कौन कौन से एटीट्यूड या कौन कौन सी क्वालिटी या स्किल होनी चाहिए जिससे वो इफेक्टिव टीचर बन सकता है, इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है, लर्निंग को इजी कर सकता है और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उनको और ज्यादा प्रभावी बना सकता है। इसलिए हम पहले जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली होता क्या है और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स जरूरी हैं या टीचिंग का जो प्रोसेस चल रहा है ये एक टीचर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हर बार सवाल आते हैं यूजीसी नेट में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में, सेंट्रल टीटी में, केवीएस एनवीएस में। तो हम जानें कि शिक्षण है क्या। तो शिक्षण एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कोई बहुत ऐसा एक कह सकते हो कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, लेकिन इसमें जिसको पता नहीं है, इसकी जो स्किल्ड नहीं है, जो इसके पैरामीटर्स नहीं जानता है, वो उसके लिए बड़ी थोड़ी समस्या है। तो टीचिंग है क्या, शिक्षण क्या है, एक सोशल प्रोसेस है यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस सामाजिक प्रक्रिया में जो कुछ भी टीचर खुद गेन करता है, उस जो ज्ञान प्राप्त करता है समाज के द्वारा, जो सीखता है, जो पढ़ता है, उसी को अपने छात्रों के समक्ष या जो उसके शागिर्द हैं, जो उससे सीख रहे हैं, उनके समक्ष उनको अनुभवों के द्वारा, उसको चिंतन के द्वारा, उसको गतिविधि के द्वारा प्रस्तुत करता है। आपको पता होगा कि ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ता है। देश के ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक दर्शन हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे सामाजिक मूल्य हो, इन सब के निर्माण में ज्ञान या शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है और उस शिक्षा को छात्रों तक या जो उसके सीखने वाले हैं उन तक पहुंचाने का काम शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक की जो का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है और शिक्षक जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में जो कुछ भी सिखाता है उसको एज इट इज उसके छात्र क्या करते हैं, आत्मसात करते जाते हैं और उसी आत्मसात किए गए ज्ञान को अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया अगर हम देखें कि जितना पुराना मानव का इस पृथ्वी के ऊपर इतिहास है या कह सकते हैं शिक्षा का जितना इतिहास है वहां से शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगर हम भारत में शिक्षा के विकास की प्रक्रिया को देखेंगे तो वैदिक काल से लेकर आज तक जो आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण की प्रक्रिया पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य किए गए हैं और उन्हीं शिक्षकों के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा जिन लोगों ने ज्ञान को अर्जित किया, ज्ञान को सीखा, आत्मसात किया और उस पर चिंतन किया, उसके बाद उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी महारत, अपनी उपलब्धियां और कई प्रकार के नए कार्य किए हैं जिससे ये दुनिया इतनी ज्यादा ग्लोबल, इतनी एडवांस और इतनी महत्वपूर्ण होती चली गई हो। चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, अन्य किसी क्षेत्रों की भी हम बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो ज्ञान से अछूता है, शिक्षा से अछूता है। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षण की प्रक्रिया, तो वैदिक काल में अगर हम देखें शिक्षण की प्रक्रिया तो वहां शिक्षक पर केंद्रित होती थी, यानी शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड अप्रोच का यहां पर मतलब यह हुआ कि सर्वे सर्वा यानी आल इन आल टीचर होता था और जो कुछ टीचर कहता था उसको एज इट इज छात्र आत्मसात करते थे, उन पर चिंतन होता था। सीमित विधियां, सीमित संसाधन, सीमित तरीके थे जिससे क्या होता था, ज्ञान का स्थानांतरण बच्चों तक शिक्षक करता था। उस समय की अगर हम बात करें वैदिक एरा की, जो किताबों में, जो अन्य सब ग्रंथों में बताया गया है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये जो शिक्षण की जो प्रक्रिया थी यानी टीचिंग का जो प्रोसेस था, ये सोशल प्रोसेस था, एक फॉर्मल तरीके से बहुत लिमिटेड लोगों तक, एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में बहुत कम चंद लोगों तक ही पहुंच पाता था। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई शिक्षण की प्रक्रिया और ज्यादा एडवांस होती चली गई।
शिक्षक केंद्रित जो प्रक्रिया थी उसमें टीचर ही अपने अनुभवों को शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देता था, उससे वो जो चिंतन करते थे, जो अनुभव करते थे, जो प्रयोग करते थे, जो गतिविधि करते थे, उसके आधार पर उस ज्ञान का वेरिफिकेशन करते चले जाते थे। ये प्रक्रिया बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करें, मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करें, आधुनिक शिक्षा का शुरुआती दौर देखें, वहां पर भी शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी। आगे हम अगर देखें तो ये व्यवस्था धीरे धीरे जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग पेडागॉजी, इन सब का जब प्रभाव बढ़ा, रिसर्च हुआ, तो ये प्रक्रिया बदल करके छात्र केंद्रित होती चली गई, शिक्षक से धीरे धीरे कन्वर्ट हुई स्टूडेंट सेंटर्ड या कह सकते हो छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। अब छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का जो एस्पेक्ट था ये ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड था, ज्यादा व्यक्तिगत था, ज्यादा इसमें जो है प्रत्येक बच्चे को मौका मिलने लगा सीखने का, बातचीत करने का, शिक्षक से गलतियां करने का, अपनी कमियां बताने और अपने अनुसार सीखने की प्रक्रियाओं का या मेथड का यहां पर खोज और रिसर्च प्रारंभ हुआ। छात्र केंद्रित शिक्षा का जो बेसिक आधार है कि छात्र के जो अनुभव और उसकी जो अभिव्यक्तियां होती हैं उसके आधार पर पूरे कैरिकुलम को मेंटेन किया जाता है और शिक्षक छात्र पर के अनुसार ही, छात्र की सुविधा के अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करके और उसको ज्ञान उस तक पहुंचाता है और वहां पर वो छात्र जो कुछ भी अपने अनुभव से जो चीजों का गतिविधियों के माध्यम से प्रयोग करता है उसी को अपने जीवन में ऐड करता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्पावर होती चली गई, जैसे जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड पूरी दुनिया सीमित होती चली जा रही है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहीं कोई बैठा है और पूरा ज्ञान सब जगह स्थानांतरित कर रहा है, ये जो तरीका है आधुनिक शिक्षा का या और जो हम कहें फ्यूचर के एजुकेशन, वो चाइल्ड सेंटर्ड से भी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर चली जाएगी। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में ना कोई टीचर होगा और ना ही कोई स्टूडेंट होगा, सब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे, हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखने, ये ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शिक्षक नहीं होगा और कोई छात्र नहीं होगा, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति से भी सीख सकते हैं और बहुत जूनियर इंसान से भी सीख सकते हैं, जैसे हम ही हैं, कुछ वीडियो में पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो अलग अलग लोग अपने अनुभव कमेंट के द्वारा या हमें पर्सनली बहुत सारी जो गलतियां हमारे वीडियो में होती है वो हमें बताते हैं। तो ये पहले संभव नहीं था, क्योंकि पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच था तो टीचर ही जो कुछ कहता था वही सत्य होता था, बच्चे उस पर बहुत ज्यादा वार्तालाप की प्रक्रिया शुरुआत में तो थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम कहें शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया आगे बढ़ी तो स्कूलों में एक भय का माहौल बनता चला गया, शिक्षक सर्वे सर्वा हो गया और उसमें बच्चों के महत्व को बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। तो लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच होगा फ्यूचर का वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा बच्चों की सुविधाओं के अनुसार होगा। तो यहाँ जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि वहाँ प्रत्येक बच्चे को शामिल करने शिक्षण की प्रक्रिया में या सीखने की प्रक्रिया में आसानी से शामिल किया जा सकेगा, चाहे उसकी भाषा जो हो, चाहे कास्ट उसकी जो हो, चाहे वो जल्दी समझता हो, देर में समझता हो, चाहे वो थोड़ा एडवांस चीजों को ना जानता हो, वो बहुत ज्यादा ग्लोबल ना हो, तो ऐसे भी बच्चे भी लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में आसानी से अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। इसमें क्या होगा, डिसिप्लिन की जो प्रक्रियाएं होंगी वो बहुत रिजिड नहीं होंगी, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होंगी, टीचर का जो अप्रोच होगा वो नॉन जजमेंटल हो जाएगा, मतलब जजमेंटल नहीं होगा। ज्यादातर टीचर का अप्रोच क्या होता है, जजमेंटल होता है कि तुम क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, तुम कैसे रहो कैसे नहीं। जब डेमोक्रेटिक होगा तो उसमें प्रत्येक बच्चे का अप्रोच जो हो जाएगा वो अपने अनुसार व्यवस्थाएं बनाने पर आधारित हो जाएगा, उसमें सब भागीदार बन पाएंगे और टीचर का भी अप्रोच कि वो क्या करेगा, बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगा, वो ये नहीं करेगा कि तुम्हारे अंदर जो क्षमता नहीं है तो तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसका अप्रोच जो है नॉन जजमेंटल हो जाएगा। इसलिए टीचर का अप्रोच नॉन जजमेंटल, क्योंकि आज जो बच्चा जिस पोटेंशियल से आगे बढ़ रहा है या जो क्षमताएं उसके अंदर हैं
उसको आप पहले सिस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि ये क्या बनेगा कैसे बनेगा। टीचर का सिर्फ यहाँ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में हो जाएगा उद्देश्य कि जो क्षमताएं हैं जो पोटेंशियल है उसके आधार पर उसको क्या करना है आगे बढ़ना, कुछ नया सिखाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, टीचिंग मेथड बहुत एडवांस हो जाएंगे लर्नर सेंटर्ड में। इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्याएं होंगी और उसका तुम समाधान, किसी भी समस्या के मिलियन समाधान, हजारों समाधान होते हैं, लाखों समाधान, तो कोई एक रिजिड मेथड नहीं होगा कि इसी से तुम्हें सीखना है। अब बहुत सारे लोगों को वो रिजिड मेथड नहीं समझ आता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगा, हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करेगा। इसमें क्या है, डेमोंस्ट्रेशन आ जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड हो जाएंगी चीजें, खुद करके सीखने पर आधारित हो जाएगा। टीचर यहाँ क्या मेंटोर की तरह कह सकते हो या सुविधादाता, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, ना कि यहाँ टीचर की तरह बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर उसका नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल बिहेवियर के साथ एज ए फैसिलिटेटर की तुम्हें कहाँ कठिनाई हो रही है वहां सुधार की बात करेगा। अब अगर हम बात करें कि शिक्षण है क्या, टीचिंग है क्या, तो टीचिंग जैसे आपने जो जाना कि एक सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। तो शिक्षण एक क्या है, सोशल प्रोसेस है, और उस सोशल प्रोसेस में हमें क्या करना है, शिक्षण की जो प्रक्रिया या अर्थ हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि समस्त शिक्षण का अर्थ ज्ञान में वृद्धि करना या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करने से संबंधित हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें कि शिक्षण की प्रक्रिया है या शिक्षण का प्रकार जो होगा वो एक पारस्परिक हो जाएगा, पारस्परिक मतलब इंटरेक्टिव हो जाएगा, एक दूसरे से अंतःक्रिया पर आधारित हो जाएगा, और जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य होगा व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो शिक्षण कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है, लेकिन जटिल प्रोसेस तब है जब इसकी स्किल के बारे में, इसके कौशल, इसकी टेक्निक्स, इसके मेथड और इसकी पैडागॉजी के बारे में लोगों को जब पता नहीं होता है तो टीचिंग जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसके बाद हम कहें कि शिक्षण में बेसिकली कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो टीचिंग प्रोसेस को और टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अपना मत है, लेकिन जॉन डीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा प्रभावी है। जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है और उन्होंने बताया है कि शिक्षण की प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस में तीन जो है डोमेन्स होते हैं, तीन जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं। पहला कारक जिसमें टीचर आता है, दूसरा कारक जिसमें विद्यार्थी आते हैं, और तीसरा जो कारक होता है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है, यानी छात्र, शिक्षक और एजुकेशन सिस्टम, यानी पूरा का पूरा कैरिकुलम। इन तीनों की जो सम्मिलित कह सकते हो या एक समन्वित या सुसंगत व्यवहार किसी भी प्रक्रिया को या सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा अच्छा बना सकता है। अब टीचर अच्छा है, स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन कैरिकुलम या सिस्टम अच्छा नहीं है तब भी चीजें अच्छी नहीं होंगी। सिस्टम अच्छा है और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले टीचर का मेन रोल होता है, तो टीचर जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सा पोटेंशियल है, या बच्चे के पास कौन सा पोटेंशियल और किस प्रकार का कैरिकुलम उसे दिया जा रहा है। तो ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो टीचिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब टीचिंग जो प्रोसेस है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो टीचिंग प्रोसेस को और ज्यादा अच्छा बनाती है। यहां से सवाल जरूर बनता है, पूछा जाता है इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो वहां एक ऑप्शन होता है कि जो क्लास बहुत साइलेंट बैठी हो, जिसमें कोई सिर्फ टीचर की आवाज आती हो, दूसरे की आवाज ही ना आती हो, तो ऐसी क्लास इफेक्टिव नहीं होती है। दूसरा कंडीशन यहाँ ये आता है कि जहां सारे बच्चे पास कर जाते हो, अच्छे अंक प्राप्त करते हो, वो भी ऐसी भी कक्षा बहुत अच्छी नहीं होती है जहां बच्चों को आजादी ना हो, जहां रिजिड इन्वायरमेंट हो। तो इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं या टीचिंग स्किल की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। शिक्षण का जो मेन फंक्शन या कार्य है वो ज्ञान का स्थानांतरण करना है, यानी ज्ञान को बांटना है या देना है। ज्यादातर क्या शिक्षण की प्रक्रियाओं में वर्तमान में क्या चल रहा है, सूचनाएं स्थानांतरित की जाती है। सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। सूचनाएं बच्चे को
अनस्टेबल कर देती है, जबकि ज्ञान उसकी उसकी क्षमताओं की स्टेबिलिटी को और स्ट्रांग करता है और उसके सोचने के तरीकों में चेंज लाता है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरे के पूरे छात्र और स्टूडेंट टीचर और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को क्या करती, क्रियाशील बनाती है, एक्टिव बनाती है, जीवंत बनाती है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक यानी आसान और इंटरेस्टिंग बनाती है, जो अच्छे टीचर या अच्छे शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। अच्छे शिक्षण का पैरामीटर ये भी है कि बच्चे स्वयं सीखने को प्रेरित होते। अगर अच्छा और इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस चल रहा है तो बच्चे क्या है, स्वयं में इतनी जिज्ञासाएं, इतना इंस्पिरेशन, इतना मोटिवेशन उनके अंदर आता है कि वो चीजें खुद से सीखते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है कि इफेक्टिव प्लानिंग यानी प्रभावी नियोजन होना चाहिए। प्रभावी नियोजन में टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग प्रिंसिपल, टीचिंग फार्मूले, इन सब के बारे में टीचर को पहले से बहुत अच्छा ज्ञान हो, ताकि वो क्लास के अंदर जाए तो कौन सा स्किल, कौन सा मेथड, कौन सा एग्जांपल, किन सारी चीजों की व्यवस्था बनानी है, इसलिए उसको इफेक्टिव प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छे टीचर के अच्छी टीचिंग या अच्छे टीचिंग इन्वायरमेंट या अच्छे टीचिंग के पैरामीटर ये भी है कि टीचर क्या करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फॉलो करता है और इंक्लूसिवनेस को डेवलप करता है क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, लचीली पाठचर्या की बात करता है। ये बच्चे की इंटरेस्ट और एफर्ट को ध्यान में रखकर पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। इसमें अगर और हम बात करें कि इंक्लूसिवनेस, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बच्चा, गरीब हो, अमीर हो, जल्दी सीखने वाला, देर में सीखने वाला, प्रतिभाशाली हो या फिर उसका आईक्यू कम हो, या किसी संस्कृति से आया हो, किसी धर्म से आया हो, अधिकारहीन क्षेत्र से आया हो, कैसा भी हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, कैसा भी बच्चा हो, सबको सीखने की प्रक्रियाओं में शामिल करता है। इंक्लूसिवनेस क्या करता है या एजुकेशन का पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव टाइप का है वो ये इन्हेंस करता है, ऐसी व्यवस्था को इन्हेंस करता है जिसमें कोई भी बच्चा अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे, सब सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे, सबके अनुभवों और सबकी क्षमताओं को महत्व दिया जाए। यानी इसी आधार पर कह दिया गया है कि पूरा का पूरा एजुकेशन चाइल्ड के लिए बना है, ना कि चाइल्ड बच्चे के लिए बना है, चाइल्ड जो है एजुकेशन के लिए बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप अपने कोई नया जूता या नया कपड़ा आप खरीदते हो तो जब पहले दिन पहनते हो तो थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हो, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वही कपड़ा या वही जूता आपको फिट बैठने लगता है। कैसे? क्योंकि वो पैर उस जूते के अनुसार नहीं हो जाता, वो जूता पैर के अनुसार ढल जाता है, घिस जाता है, फिट हो जाता है। तो एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसा है कि बच्चे के अनुसार कर दिया जाए, ना कि बच्चे को मॉडिफाई किया जाए। वर्तमान में जो टीचिंग की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस इस व्यवस्था पर आधारित हो गई है, या जो चल रहा है स्कूलों में वो कुछ ऐसा है कि वो बच्चे को कन्वर्ट करना चाहता है अपने अनुसार यानी एजुकेशन सिस्टम के अनुसार। ये संभव नहीं है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो नेचर की या गॉड की कह सकते हो यूनिक क्रिएटिविटी है। तो अच्छे टीचर, अच्छे टीचिंग प्रोसेस का ये भी एक मेथड, एक अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है कि टीचिंग की जो प्रोसेस है या टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी डायग्नोस्टिक और रिमेडियल है, यानी उपचारात्मक और निदानात्मक है। पहले बच्चे की समस्या ढूंढी जाए कि वो सीख क्यों नहीं रहा है, वो आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है, उसकी समझ कोई चीज क्यों नहीं आ रही, फिर ये पता चल जाए कि या प्रॉब्लम कहाँ है तो उसका सलूशन आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद आता है टीचिंग के टाइप्स कौन कौन से। तो टीचिंग के अलग अलग अप्रोच में देखें तो अलग अलग टाइप हैं। कोई कॉग्निटिव अप्रोच में टीचिंग करता है, कोई इफेक्टिव अप्रोच में, और कोई साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब है दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में बहुत सूक्ष्म कार्य आते हैं और ग्रास मोटर स्किल में भारी भरकम खेल कूद है, दौड़ना है, कूदना है, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। अगर एक हम दूसरा तरीका देखें तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल स्मृति पर आधारित शिक्षण,
फिर होता अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी समझ पर आधारित शिक्षण और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से इनको टीचर यूज करता है। अब बहुत छोटे बच्चे हैं तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की जाती है। बच्चे अगर कॉग्निटिवली मैच्योर्ड हैं और वो उनका संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट हो चुका है तो तीनों अप्रोच का यूज किया जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिससे वो अपना स्मृति क्या है उस आधार पर पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। समझ उनकी क्या है, अब जो उनको बताया गया जो उनके कॉन्सेप्ट है उससे इतर उसी से मिलते जुलते सवाल तो वो अगर सॉल्व कर लेते हैं। और फिर चिंतन, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, अगर कोई ये मेथड से सवाल सॉल्व कर लिया गया तो क्या इसी सवाल को आप कोई दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां आता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात होती है। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया, शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है, वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण के चरों की बात करें तो तीन वेरिएबल होते हैं जैसे आप रिसर्च में पढ़ते हो। पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा इंटरवेनिंग यानी स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर आता है। तो यहाँ पूछ लिया जाता है कभी कभार कि शिक्षण प्रक्रिया में या टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टूडेंट किस प्रकार का वेरिएबल है, टीचर किस प्रकार का वेरिएबल है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम टीचर क्या है, वो स्वतंत्र चर है। जैसा टीचर पढ़ाएगा उसके प्रभाव से बच्चे प्रभावित होंगे, तो स्टूडेंट यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और कैरिकुलम जो है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल की तरह कार्य करता है। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक फंडामेंटल टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जाने हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे और अपने अनुभव हमें बताएंगे, हमें मेल भी करेंगे, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में हम सब चीजें दे देते हैं जिससे अब हमें आप जुड़ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। बच्चों इससे पहले हमने टीचिंग लाइफ स्किल फ्रेमवर्क के वीडियो बना के डाल चुके हैं, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। टीचिंग प्रिंसिपल और टीचिंग स्किल्स के बारे में, शिक्षण कौशल और शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बता चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड प्रॉपरली आपका क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।